जावेद हबीब, ये मांग कोई स्पेशल ऐसा खोलता है महिला के? और जहाँ पर हम हिंदू समाज के लोग मांग में सिंदूर भरते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान होता है, उस पर वो थूकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हिंदू धर्म में स्त्रियों का मांग में सिंदूर सजाना सुहागिन होने का और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है और स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहाँ से आया? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। रामायण काल में सीता माता रोज श्रृंगार में मांग भरती थी। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तभी माता सीता ने बताया, इससे भगवान राम जी को प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। दोस्तों, ये भीड़ कोई चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि स्त्री के मांग के सिंदूर, जो स्त्री का ताज होता है, उसको अपमानित करने के विरोध में यह भीड़ उमड़ी है। दोस्तों, यह विरोध क्यों किया जा रहा है, तो चलिए वीडियो में आप बने रही है, हम जानते हैं। बजरंग दल के प्रांत संयोजक श्री रतन यादव जी से पूरी बात है, क्या आखिर यह विरोध क्यों किया जा रहा है? व्यक्ति पार्लर के नाम से कुछ महिलाओं को बुलाता है और वो महिला पूजा गुप्ता हिंदू समाज से रिलेटेड है। वो जानबूझ के उस घटिया मानसिकता को उसके दर्शाता है कि ये जो है जावेद हबीब, ये मांग कोई स्पेशल ऐसा खोलता है महिला के। और जहाँ पर हम हिंदू समाज के लोग मांग में सिंदूर भरते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान होता है, उस पर वो थूकता है। सबसे पहले तो वो घटिया मानसिकता वाले को उसकी ऐसी की तैसी, ऐसे लोगों को जूता मारना चाहिए जहाँ मिले वहाँ। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार से हरकत करने का। ये बहुत निहायत और घटिया और नीच हरकत किया इसने। और हाल में ही आपने देखा होगा, तबलीगी जमात के ऊपर भी लगातार हम प्रतिबंध का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीच में कोरोना का माहौल फैला हुआ है और उसमें एक विषय आ रहा था बार बार कि कोई फल फ्रूट में थूक लगा रहा है, तो कोई खाने में, तो कोई तंदूर में। आखिर ये थूक जिहाद क्यों चला रहे हैं लोग? आखिर ये अगर करना चाहे तो अपन बहन बेटियों के साथ करे। ये हिंदू समाज बिल्कुल इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। हबीब, जो जावेद हबीब का जहां पर भी सैलून होगा, वो सेलिब्रिटी बोलता अपने आप को, वहां पर हर जगह हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। और कई जगहों पर हमको जानकारी लगा, छत्तीसगढ़ में भी है, तो आज हम दुर्ग के छत्तीसगढ़ में जब हमको मालूम चला यहाँ इसका सैलून चलता है, उसका विरोध किया, तो सैलून संचालक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मुझे 7 बजे तक का टाइम दीजिए, मैं यहाँ से हबीब तनवर का नाम हटवा दूंगा और यहाँ से ये पूरे बोर्ड हटा दूंगा। हमने स्पष्ट कर दिया है, अगर आपने 7 बजे के अंदर इस बोर्ड को नहीं हटाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता इस बोर्ड को हटवा देंगे। ये आज मैं आपके प्रेस के माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं रतन यादव, बजरंग दल प्रांत संयोजक छत्तीसगढ़। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आज की डेट में आपको मालूम है, जावेद हबीब जो सैलून का बड़ा एम्बेसडर अपने आप को बोलता है, वह अभी 2-3 दिन पहले पूजा गुप्ता नामक महिला के बाल में मांग खोल करके थूकता है। वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है कि जिस मांग में हम सिंदूर भरते हैं, जो हमारे लिए पवित्र स्थान का दर्जा रखता है, यह व्यक्ति उसमें थूकता है। यह इसकी मानसिकता और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। जब हमको मालूम चला इस व्यक्ति के नाम का सैलून दुर्ग में भी है, तो हमने तत्काल वहाँ जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और सैलून को बंद करवाया है। अगर आपने आधे घंटे के अंदर इस व्यक्ति का नाम नहीं हटाया, हबीब तनवर, ये क्या नाम है अपना, जावेद हबीब का, तो हम उग्र प्रदर्शन करके आपके दुकान की जो स्थिति है वो आपके ऊपर निर्मित करता है। हम आज अभी तो सिर्फ समझाने आए हैं, और अगर मान लो किसी प्रकार से आपने अगर इसमें होल हलावा किया, तो हम आपको अपने स्टाइल पे बजरंग दल जो जवाब देता है वैसी देंगे। और उन्होंने तत्काल आश्वासन दिया कि मैं हटवा दूंगा। और अभी हमको जानकारी लग रही है कि उसका नाम जो हबीब जावेद हबीब है, उसका नाम हटा दिया गया है और उस सैलून को बंद कर दिया गया है। वो दूसरे नाम से अपना सैलून चलाएगा, उसको जावेद हबीब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि तबलीगी जमात के ऊपर हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये इस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। पूर्व में भी देखा गया है कि खाने में, फल फ्रूट में, नान में, रोटी में, ये कहीं ना कहीं से थूक जिहाद चलाने का जो काम कर रहे हैं, इस पर बंद होना चाहिए। हिंदू समाज इसको ध्यान से देख रहा है और इसका बहिष्कार भी कर रहा है। हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपको इतना ही शौक है गंदगी करने का, तो अपनी माँ बहन के साथ करो,
हिंदू समाज के ऊपर करोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। जय जय श्री राम।